पर यहाँ जिसे भी देखो हर कोई बोल रहा है कि रसिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो गया है, लेकिन क्या उन्होंने अपनी आंखों से ये वॉर होता हुआ देखा है? नहीं देखा ना, सिर्फ और सिर्फ सुना है, और वो भी कहाँ पर? न्यूज़ चैनल पर। न्यूज़ चैनल वालों ने थोड़े बहुत वीडियोस फोटोज दिखा दिए वॉर के, धमाके के, बॉम्ब ब्लास्टिंग के, गोलीबारी के, और फिर क्या आता है, मिसाइल्स के, रॉकेट्स के, और इन सभी के फोटोज़ और वीडियोज़ दिखा दिए, और सब ने मान लिया कि यहाँ भाई ये वॉर तो हो रहा है, ये दोनों देशों के बीच में वॉर तो हो रहा है। अरे यार आपको कुछ पता भी है? न्यूज़ चैनल पर वीडियोज़ और फोटोज़ देख लिए और मान लिया? अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, आपने अभी अपनी आंखों से देखा है, अरे कुछ पता तो है नहीं और बस चले मुँह उठाते। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है यार, गजब करते हो यार। चले कोई बात नहीं, आप पहले एक बार ये देख लो। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप बार बार ये मीडिया में आता है, एक 3 साल का बच्चा मर गया, 7 साल का बच्चा मर गया, युद्ध में अगर लोग मरेंगे तो बच्चे भी मरेंगे, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका एक साइकोलॉजिकल कारण है, ये डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। जब आप देखते हैं एक फीमेल एमपी कलिश्नो को लेके खड़ी है, ये डिसइंफॉर्मेशन और रेटरिक का हिस्सा है। देखिए कल रशियन आर्मी ने स्टेटमेंट जारी किया है कि कुछ यूक्रेन मिलिशिया कीव के अंदर खुद बिल्डिंग्स में आग लगा रहा है और यूक्रेन और रशियन आर्मी को उसके लिए ब्लेम कर रहा है, कल ये स्टेटमेंट आया है उनका। दूसरा, कल पुतिन ने डायरेक्टली रशियन आर्मी से अपील की है, गवर्नमेंट से नहीं, रशियन आर्मी से, कि आप ना लड़े और आपकी गवर्नमेंट जो है की आर्मी से, सिविलियंस को, हाँ जी यूक्रेन आर्मी को अपील की है कि आपकी गवर्नमेंट सिविलियंस को। राजेश आप बने। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर नहीं हुआ है, नहीं वॉर तो हुआ है, बराबर, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन अब मानता हूँ कि वॉर हुआ है, पहले लग गया कि नहीं हो रहा था, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद यकीन हो गया। नो 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 ये वॉर से पहले दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत चल रही थी, और इस बातचीत के दौरान पुतिन ने कुछ शर्तें रखी। पुतिन की ये शर्तें सभी कंट्रीज ने सुनी, यूके, यूएसए, फ्रांस, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, रसिया ने तो कहा है ना, सॉरी यूरोप वगैरह, ये शर्तें सुनकर सभी कंट्रीज को गुस्सा आया, स्पेशली यूएसए के बाइडन को। इसीलिए बाइडन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ एक मीटिंग भी की थी। ये ले सेफ को। कैसे मारेगा? कैसे मारेगा बता तो। पटक पटक के मारेंगे। पुतिन की ये शर्तें किसी ने भी नहीं पूरी की। पूरी ना होने से पुतिन को बहुत ही गुस्सा आया, और उसने बोला कि अब जो होगा सही होगा, और अब जो होगा वॉर होगा। पुतिन का ये स्टेटमेंट यूक्रेन ने सुना, और यूक्रेन बोला कि अगर वॉर करना ही है तो सबसे पहले तू कर, तू सबसे पहले हम पर हमला कर, फिर हम बाद में तुझे दिखाएंगे। और ये स्टेटमेंट सुनकर रशिया भी बोला कि मैं नहीं, तू सबसे पहले हमला कर, तू सबसे पहले वॉर स्टार्ट कर, फिर मैं तुझे दिखाऊंगा। इन दोनों में ये सारी बातचीत थोड़े समय तक चलती रहती है, लाइक दिस। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अब रशिया कंटाल गया यार कि ये क्या यार, चलो छोड़ो छोड़ो ये सारी बातों को, सबसे पहले मैं ही वॉर स्टार्ट करता हूँ। इसलिए रशिया ने अपनी आर्मी को प्रिपेयर किया, बराबर से तैयार किया, कुछ इस तरह से। रशिया ने सीरियसली वॉर स्टार्ट भी कर दिया, यूक्रेन में बॉम्ब ब्लास्टिंग, मिसाइल, सब कुछ फोड़ डाला, अपनी आर्मी भी यूक्रेन में भेजी, और अच्छा खासा वॉर शुरू कर दिया। अब जबकि यूक्रेन में इतने सारे धमाके होंगे, तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन के लोग थोड़े से डर तो जाएंगे, कुछ इस तरह से। माँ वो खिड़की बंद करना, खिड़की बंद करना माँ, अरे बंद करना खिड़की, बंद करना, अरे बंद करना खिड़की माँ, ए खिड़की बंद कर, पढ़ डाले के मेरे को, पढ़ डाले के मेरे को। अब यूक्रेन में वॉर शुरू हो गया है, हमले शुरू हो गए, इसलिए वहां पर जो भी इंडियंस थे वो वहां पर फंस गए। ये फंसे हुए इंडियंस ने इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगी कि भाई हम यहाँ पर फंस गए, हमें बाहर निकालो। हेलो गाइस,
हेलो गाइस, हेलो गाइस, हम जा रहे हैं पोलैंड गाइस, पोलैंड जा रहे हैं, बचा लीजिए, बचा लीजिए, हम टीएनएम में स्टडी करते हैं सर, सर आपसे क्वेश्चन है, बचा लीजिए, पर कल की क्लास ऑनलाइन है क्या? नो पैनिक प्लीज, नो पैनिक, नो पैनिक, नो वॉर, नो वॉर इन यूक्रेन, वॉर खत्म नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए यूक्रेन को सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए यूक्रेन ने यूएसए को मदद के लिए कॉल भी लगाया, मगर आप कौन? कहां लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर में मेरे हैं। कोई भी यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फाइनली कुछ कंट्रीज ने उसको हेल्प करना स्टार्ट किया, पैसों की, दूसरी चीजों की हेल्प करना स्टार्ट किया। हेल्प करने के बावजूद भी यूक्रेन अभी भी कमजोर है, क्योंकि उसको हथियार और आर्मी की कमी है, जो अभी तक पूरी किसी ने नहीं की। अब यूक्रेन को ये एहसास हो गया कि कोई मदद के लिए नहीं आने वाला, इसीलिए यूक्रेन अकेला ही रशियन आर्मी से लड़ने निकल पड़ता है। अब हमें देखना है कि आगे क्या होगा, कब ये वॉर ख़त्म होगा, क्योंकि आप देखोगे तो रोज़ नई नई न्यूज़ आ रही है, दिन ब दिन चीज़ें अपडेट हो रही हैं, इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए चलता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।